So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video, we are going to start a very interesting chapter, that is biomolecules. So biomolecules से हर साल लगभग दो questions आप NEET entrance examination में expect कर सकते हैं. तो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए lipid, nucleic acid, proteins और carbohydrates को detail में समझना. So we are going to read all these topics in a sequential manner. तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं by knowing all the scientists of this chapter. जैसा कि हमने सेल में किया था कि पहले ही लेक्चर में हमने सारे साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशंस देख ली थी, हम सेम वैसा यहां पर करने वाले हैं. और आज हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो कि आपका पहला आर्टिकल है एनसीईआरटी चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स का. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए. सो गाइज, अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज टेलीग्राम पर मैं अपने सारे के सारे फ्री क्लासेस के लिंक आपको देता रहता हूँ. अगर आपने मेरे दूसरे YouTube चैनल ओजोन क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट हो चुके हैं. कल भी मैंने वहां पर एक वीडियो डाली थी रिलेटेड टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. लिंक आपको दोनों चीजों के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और अगर आप दोस्ती यारी बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर लीजिए. ओके, सो प्रयास बैच का एक और नया लेक्चर और एक और नया चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं एक बायोकेमिस्ट हूं. मैंने अपनी जिंदगी के दो साल सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स को दिए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे इनसे बड़ा लगाव है. एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको भी इन मॉलिक्यूल से उतना ही लगाव हो जाए टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, बात करते हैं साइंटिस्ट कॉर्नर की. यानी सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपके साइंटिस्ट के नाम और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से. सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है इनका नाम है दोस्तों अल्टमान एंड सेक. So, अल्टमान और सेक नाम के साइंटिस्ट ने आरएनए को क्या कहा था, कैटालिटिक मॉलिक्यूल कहा था. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी एक नंबर अगर आप लेना चाहें तो मोर देन 99% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड लेस देन 1% ऑफ द एंजाइम्स आर व्हाट दे आर आरएनए. सो आरएनए जो कि काफी अनस्टेबल या फिर काफी ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, ये आपका कैटालिटिक मॉलिक्यूल के तौर पर भी बिहेव कर सकता है. जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर 23 SRRNA मॉलिक्यूल, ये आपका कैटालिटिक आरएनए होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, राइबोसाइम भी बोलते हैं. यानी जब आपका आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करे तो ये राइबोसाइम कहलाएगा. राइबो न्यूक्लिक एसिड से आया राइबो और एंजाइम से आया जाइम, बन गया आपका राइबोसाइम, जहां पर आरएनए एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है. तो ये अल्टमान एंड सेक ने कहा था. समनर ने क्या किया था, समनर ने आपका सबसे पहला एंजाइम जो था यूरिएज उसको क्रिस्टलाइज किया था. यानी यूरिएज वाज द फर्स्ट एंजाइम विच वाज क्रिस्टलाइज्ड. ओके, सो यूरिएज एंजाइम को इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था. और अगर कोई चीज क्रिस्टलाइज हो जाती है तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता लग जाता है, उसका नेचर हमें पता लग जाता है. सो वी गॉट टू नो कि एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं. तो ये बात हमें कैसे पता लगी थी कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्योंकि इनको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो. और सबसे पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज हुआ था वो था यूरिएज, जो कि इन्होंने किया था, समनर साहब ने किया था. बचनर, नाउ बचनर ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था आपके एंजाइम को और इन्होंने टर्म दी थी जाइमेज, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जब एंजाइम देखा था वो कहां देखा था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होने वाले एंजाइम की इन्होंने बात की थी. सो इन्होंने क्या किया, एंजाइम की डिस्कवरी की और टर्म दी इन्होंने जाइमेज. सो दो नाम आपको यहां पर याद करने होते हैं दोस्त, एक जिन्होंने एंजाइम डिस्कवर किया दैट इज बचनर, एंड सेकंड जिन्होंने एंजाइम टर्म दी दैट इज कूने. सो कूने ने क्या किया था, इन्होंने टर्म एंजाइम दी थी. एमिल फिशर साहब ने क्या किया था, इन्होंने लॉक एंड की हाइपोथेसिस मॉडल दिया था. लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे कि आपके एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है जो कि उसे खोल सकती है, सिमिलरली आपका एंजाइम जो है ये बहुत बहुत स्पेसिफिक होता है नेचर में और ये कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को ही कैटालाइज कर सकता है. ऐसा किसने कहा था, एमिल फिशर साहब ने. सो इन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिलेशनशिप को किससे कंपेयर किया, लॉक और की से कंपेयर किया, ताले और चाबी से कंपेयर किया. सो इन्होंने बोला एंजाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक है. लेकिन आपके कोशलैंड साहब जब आए, इन्होंने बोला इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने बोला कि एंजाइम जो है थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी होता है. तो इन दोनों थ्योरीज के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट वी आर गोइंग टू रीड दिस अप. सांगर साहब ने क्या किया था, सांगर साहब ने आपका इंसुलिन की सीक्वेंसिंग करी थी. इंसुलिन जो कि आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो कि आपका पेप्टाइड हार्मोन है, ओके, इसकी इन्होंने क्या की थी, सीक्वेंसिंग की थी. इस प्रोटीनेशियस हार्मोन में इन्होंने अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो था आपका आइडेंटिफाई किया था.
क्रिक साहब थे, इन्होंने क्या किया था, क्रिक साहब ने आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था। आप यहां पे जो है सी से याद कर सकते हो, वॉटसन एंड क्रिक में से जो क्रिक साहब थे इन्होंने सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था। सेंट्रल डॉग्मा मतलब आपका जो डीएनए है वो सबसे पहले आपका क्या बनाता है, आरएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, और आरएनए आगे चल के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कौन करता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मेरे दोस्त आपका कौन करेगा, सेंट्रल डॉग्मा। मतलब ये पूरी स्कीम जो होती है इसको आप सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हो। वॉटसन एंड क्रिक इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए जो है दिया था, ओके, और इन्होंने बी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। सो वॉटसन एंड क्रिक ने तो ये मॉडल दिया ही था, इसके साथ साथ इन्होंने जो डेटा यूज किया था वो किन्होंने दिया था, वो आपका विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिया था, जिसको आप बोलते हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा। सो एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा वॉज कलेक्टेड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, और वॉटसन और क्रिक जो थे इन्होंने उसके मॉडल को ठीक तरीके से डिफाइन किया। तो इन चारों को जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। फ्रैंकलिन को, रोजालिन फ्रैंकलिन मैम को नोबेल प्राइज नहीं मिला था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी नोबेल प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो पॉस्थ्यूमसली आपके नोबेल प्राइज नहीं मिलते, यानी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे नोबेल प्राइज अवार्ड नहीं किया जाता, इसलिए आपके मेंडल साहब और काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ओके, सो नोबेल प्राइज किनको मिला था, आपके वॉटसन साहब, क्रिक साहब एंड आपके विल्किंस को। फ्रेडरिक मिक्सचर, ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया हुआ है, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपके 2020 का है, इसीलिए मैं आपको साइंटिस्ट कॉर्नर हमेशा अलग से कराता हूँ, क्योंकि साइंटिस्ट कॉर्नर जब आप पढ़ लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है इसी टेबल के अंदर से, 2020 का ही क्वेश्चन है। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था और उन्होंने नाम क्या दिया था, इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दी थी, क्वेश्चन ये आया था कि इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दी थी। ओके, सो इन्होंने पस सेल जो होते हैं यानी आपके WBC जो होते हैं उनसे आपके न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया, लेकिन उसे न्यूक्लिक एसिड नाम इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने न्यूक्लिन बोला उसे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था आपका डीएनए। ओके, लेकिन अल्टमैन साहब जब आए इन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लिन है ये एसिडिक है नेचर में, तो इन्होंने उसे नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो डिस्कवरी किसने की, मिक्सचर, लेकिन आपका नाम किसने दिया, अल्टमैन साहब ने। और बर्जीलियस साहब जो थे इन्होंने प्रोटीन टर्म दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये आपके सारे के सारे साइंटिस्ट थे जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझने थे कि किसने कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म दी, किसने कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया, किसने किस चीज की डिस्कवरी की, ये सारी चीजें आपके यहां पर गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ऑलराइट, चलिए अब बात आती है कंपैरिजन की, यानी आपके सामने कुछ चीजें हैं, समझ लो आपके सामने है एक ईंट। ओके, इट मींस दैट अ ब्रिक इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस व्हिच लुक्स समवट लाइक दिस। ओके, और आपके सामने है क्या, आपके सामने है एक इंसान। ओके, जो इंसान दिखता है कुछ ऐसा, बहुत ही प्रिसाइजली बना रहा हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे भाई का टैलेंट पता है, तो मैंने बिल्कुल इंसान जैसा इसे बना दिया है। अब ये दोनों चीजें जो रहती हैं, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों का अगर आप कभी एलिमेंटल एनालिसिस करके देखो, यानी अगर आप इनके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाओ, तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि जिन चीजों की आपकी नॉन लिविंग चीजें बनी रहती है उन्हीं चीजों की आपकी लिविंग थिंग्स भी बनी रहती है। तो इनमें फर्क क्या है, फर्क आता है इनमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, दैट इज इंटरेक्शन। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनमें इंटरेक्शन होती है आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और वो इंटरेक्ट करके क्या बना लेते हैं, आपके बायो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और जब वो बायो मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं तो वो आगे चल के पूरे के पूरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। If elemental analysis of a plant tissue or an animal tissue or an microbial paste is performed, we obtain a list of elements like CHONS and several others and their respective content per unit mass of a living tissue. यहां तक हमने ये देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक प्लांट हो, यानी समझ लीजिए आपने 10-15 पत्तियां ले ली है नीम की या पीपल की और आपने उन्हें क्रश कर दिया, तो आपके पास लिविंग टिश्यू आ जाएगा। आपने किसी एनिमल के किसी ऑर्गन का पार्ट ले लिया है, यानी आपने लीवर का एक पार्ट ले लिया है, तो आपके पास एनिमल टिश्यू आ जाएगा। या फिर आपने माइक्रोबियल कॉलोनीज जो थी उनको ले लिया है आपने, और उन्हें आपने क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया, तो आपके पास एक माइक्रोबियल पेस्ट आ जाएगा। इन तीनों में अगर आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बाय एलिमेंटल एनालिसिस, तो आपको पता लगेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, काफी सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और आपको यह भी पता लग जाता है कि इन एटम्स की आपकी बेसिकली अबंडेंस कितनी है एक लिविंग टिश्यू के अंदर, यानी पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी पर ग्राम या पर 10 ग्राम या पर 100 ग्राम या पर किलोग्राम ऑफ द एनिमल टिश्यू,
आपका कितना कंटेंट प्रेजेंट है इन एलिमेंट्स का, ये भी आप एलिमेंटल एनालिसिस से निकाल सकते हो। अगर आप सेम रिसर्च करोगे, अगर आप सेम एनालिसिस करोगे एक पीस ऑफ अर्थ पे, यानी अगर आप धरती के किसी छोटे से टुकड़े जो कि नॉन लिविंग चीजों को रिप्रेजेंट करता है, अगर इस पे सेम तरीके की रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि सेम एलिमेंट की लिस्ट आपको यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी सेम तरीके के एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। कहने का यह मतलब है कि आपका जो एलिमेंटल एनालिसिस आपने किया उससे पता लगा कि एलिमेंट्स आर सेम। When you talk about a living thing and a non-living thing, तो आपके elements उनके अंदर same होते हैं। However, इनकी relative abundance जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपकी body के अंदर organic molecules काफी सारे हैं, organic compound बहुत सारे हैं, biomolecules बहुत सारे हैं, और वो biomolecules क्या होते हैं, ये वो living organism द्वारा बनाए हुए molecules है जो organic है। तो अगर देखो आपके biomolecules अगर organic है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक स्टडी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें कार्बन तो होगा ही होगा, और वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए आपका हाइड्रोजन भी होगा। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यानी आपके बायोमोलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन की तो भरमार रहेगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा मिलेगा, ओके, और अर्थ क्रस्ट में आपका कंपैरेटिवली कम मिलेगा। कहने का ये मतलब है, यहां पर हमने समरी लिख दी है कि इस पूरे आर्टिकल की समरी या नोट्स क्या कहते हैं, नोट्स ये कहते हैं कि एलिमेंट्स आपके सेम हैं, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे आपका नॉन लिविंग थिंग हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपके बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके कार्बन और हाइड्रोजन के तो बने ही बने होंगे। उसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो इज अ मस्ट। यहां पर जो आपने एलिमेंट का नाम देखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये ऐसे छह एलिमेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 99% से भी ज्यादा मास बनाते हैं। आपकी बॉडी अगर लिविंग है तो आपको पता है कि 75% तो आपकी बॉडी में वॉटर ही है। वॉटर मतलब आपका H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बन गया 70% मास तो, ओके। इसके अलावा आपके बायोमोलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन मतलब आपका नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, आपका अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप हो गया, सल्फर मतलब आपका सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हो गए, फॉस्फेट मतलब आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर और फॉस्फोएंडर एस्टर लिंक होती है वो हो गए। अल्टीमेटली आपके जो छह एलिमेंट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो छह एलिमेंट्स है ये आपका मोर देन 99% मास जो है आपका बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर में आया हुआ था तो मैंने सोचा यहीं पे डिस्कस कर लूं, आगे भी ये बात आपकी रिपीट होगी। अब देखो, अ प्रॉपर कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सम एलिमेंट इज गिवन बिलो, और ये जो आपका एनालिसिस है ये CNR राव सर की लैब से लिया हुआ है, ये आपकी NCERT का टेबल है। लेकिन इस NCERT के टेबल को मैंने थोड़ा सा डिपिक्ट कर दिया है और इसे थोड़ा ठीक से इंटरप्रेट कर दिया है जिससे कि आपके टेबल में ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लग जाए। तो यहां पर क्या लिया है हमने, अर्थ क्रस्ट का परसेंटेज वेट ले लिया है अलग अलग एलिमेंट्स का, यानी ये आपका नॉन लिविंग है तो इसे मैं यहां पर लिख सकता हूं नॉन लिविंग, और ये जो आपका ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज वेट ले लिया है मैंने अलग अलग एलिमेंट का, तो मैं इसे लिविंग लिख सकता हूं, राइट। अब देखो हाइड्रोजन कितना होता है, मैंने आपको देखो पहले ही बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन आपका मैक्सिमम होता है लिविंग में, तो नॉन लिविंग में देखो 0.14% है। आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन ज्यादा है कौन कम है। 0.14% बहुत कम है, लेकिन 0.5 है यहां पर, यानी आपके नॉन लिविंग से 3-4 गुना, तो इट इज वेरी हाई। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन बहुत हाई होते हैं। यहां पर देखो कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.03%, मतलब 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा, उसका भी 30वां हिस्सा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 18.5, दिस इज वेरी वेरी हाई, 18.5, यानी यहां पे जो 1% नहीं है नॉन लिविंग में, लिविंग में वो 20% के आसपास है, तो इट इज वेरी हाई। ये बात भी आपके यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपको पता हो गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है लिविंग के अंदर। ऑक्सीजन देखो आपका क्रस्ट में अच्छा खासा पाया जाता है, अराउंड 50%, लेकिन आपकी बॉडी में 65% पाया जाता है, क्योंकि वाटर आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा है, और वाटर किससे बनता है, H2O। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दो हाइड्रोजन का वेट तो बहुत कम है, लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का या एक ऑक्सीजन एटम का बहुत ज्यादा होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो आपका कंपैरेटिवली यहां पर, क्योंकि आप वेट के टर्म्स में ले रहे हो, तो मोर देन 65% वेट आपका मोस्ट अबंडेंट आपके एनिमल्स में क्या होता है या प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है इन टर्म्स ऑफ वेट। नाइट्रोजन आपका बहुत कम होता है, ओके, क्रस्ट में,
लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 3.3% आपको देखने को मिलेगा, 3.3%, क्योंकि यहां पर अगर आप सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉन एसपी, सी एच ओ एन एस एंड पी, कॉन एसपी से याद कर लो। ओके, तो कार्बन आपका सबसे ज्यादा हो गया यहां पर मार्क कर लिया हमने, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो गया यहां पर मार्क कर लिया हमने, ऑक्सीजन भी आपका नॉन लिविंग से ज्यादा हो गया ये भी मार्क कर लिया हमने, नाइट्रोजन भी नॉन लिविंग से ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर ये भी मार्क कर लिया हमने। अब सल्फर देखो यहां पे 0.03% है, यहां पे 0.3% यानी 10 गुना ज्यादा है लिविंग के अंदर, तो सल्फर भी आपका ज्यादा हो गया ये भी मार्क कर लिया हमने, और फास्फोरस यहां पे गिवन नहीं है, अदरवाइज वो भी आपका काफी ज्यादा देखने को मिल जाता। ओके चलिए, लेकिन क्रस्ट में भी आपका अच्छा खासा अमाउंट फास्फोरस का होता है। यहां पे बची हुई चीज है सोडियम। अब सोडियम जो है आपका नॉन लिविंग में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड आपका NaCl, सॉल्टी वाटर, ओशंस कितने ज्यादा होते हैं यार, अल्टीमेटली आपका सॉइल में और आपका वाटर में भी जो आपका सॉल्ट कंटेंट है उसकी वजह से सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है, यहां पे ये कम हो जाएगा लिविंग में। ओके, कैल्शियम जो है आपका यहां पर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, आपकी बॉडी में काफी कम है। ओके, आपकी बॉडी में अच्छा खासा होता है क्योंकि आपके बोन्स और टीथ इससे बनते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में और ज्यादा है क्योंकि आपके पास लाइम डिपॉजिट्स होते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके पूरे के पूरे यू नो चूना पत्थर की लेयर भी काफी बार देखने को मिलती है। मैग्नीशियम जो है यहाँ पर 2.1% है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ 0.1% है, यानी कि आपकी बॉडी में एज अ को फैक्टर, एज अ मेटल आयन यूज होता है जिसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं चाहिए रहती है। सिलिकॉन 27.7% यानी बहुत ज्यादा, और यहाँ पे ट्रेसेस में होता है यानी 0.001% के आसपास, तो यहां पर ये नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब है अगर मैं इस टेबल को तुम्हें दो मिनट में याद करा दूं कि कौन एसपी में जो एलिमेंट्स है CHONS, ओके, ये जो सबसे पांच अबंडेंट थे ये आपके लिविंग में ज्यादा होंगे, और इसके अलावा आपके टेबल में जो भी गिवन है आपका यू नो सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये आपका नॉन लिविंग में ज्यादा है, खेल खत्म। कौन एसपी, सीधी सीधी बात है, एक वर्ड याद करो आपका पूरा का पूरा आइडिया आपको लग जाएगा बातों का उससे। ऑलराइट, सो वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस ऑफ सैंपल टू नो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन दैट ऑर्गेनिज्म। आप जब एक सेल को लेते हो, आपने समझ लीजिए माइक्रोबियल पेस्ट बनाया, या आपने कोई लिवर का पार्ट ले लिया, या आपने प्लांट की कोई लीफ ले ली, आप जब उसका केमिकल एनालिसिस करते हो तब आपको पता लगता है कि उसमें किस तरीके की चीजें प्रेजेंट है। समझ लीजिए आपके पास एक प्लांट का लीफ है, तो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग टाइप के होंगे, जाहिर सी बात है बिल्कुल एनिमल जैसे नहीं होंगे। समझ लीजिए आपने यहां पर लीवर का कोई पीस ले लिया है, ओके, आपने लीवर का कोई पीस ले लिया, या फिर आपने माइक्रोबियल कोई पेस्ट बना लिया है, यानी आपने माइक्रोब्स का सेल जो है यहां पर यूज कर लिया है। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप जब इन चीजों को यूज करते हो तो क्या होता है, आपको केमिकल एनालिसिस करना पड़ता है जिससे आपको पता लगे कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। सो ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस आप सबसे पहले क्या करते हो, आप एक लिविंग टिश्यू लेते हो। लिविंग टिश्यू मतलब आपने या तो ये लिया नंबर वन प्लांट, या तो आपने ये लिया नंबर टू दैट इज एनिमल, या तो आपने ये लिया नंबर थ्री दैट इज बैक्टीरिया, क्योंकि तीनों के तीनों ही लिविंग होते हैं। आपने इसे लिया और उसके बाद आपने इसे ग्राइंड किया इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, Cl3CCCOH, तो क्या रहता है यहां पे देखो आपका एसिटिक एसिड क्या रहता है, CH3COOH, ये ट्राइक्लोरो है, यानी इन तीनों पोजिशन पर क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन हट जाएंगे और क्लोरिन आ जाएंगे, तो सी यहां पर बचा और H3 की जगह आ गया आपका Cl3 और COOH, यही आपका जो फॉर्मूला है यहां पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा घुमाकर आपने मोर्टार और पेसल की मदद से क्या किया, आपने एक पेस्ट बना लिया, आपने एक स्लरी बना ली, यानी आपने एक चटनी बना ली, आपने मोर्टार एंड पेसल लिया और आपने जो है ग्राइंड कर दिया इस टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में मिलाकर। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का इस्तेमाल क्यों हुआ, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक सॉल्वेंट का काम करता है, इसमें जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, जबकि आपके जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आप मैक्रोबायो मॉलिक्यूल्स बोलते हो वो इसमें सॉल्युबलाइज नहीं होते ड्यू टू देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको दो फ्रैक्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी जब आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का इस्तेमाल करोगे तो आपका पूरा का पूरा सेल जो है ये दो भागों में बट जाएगा, एक ऐसे मॉलिक्यूल जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो सकते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जो आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं हो सकता। तो आपको दो फ्रैक्शन देखने को मिले, ओके? तो ये जो स्लरी है इसको जब आप चीज क्लोथ से पास कराएंगे, यानी जब आप इसे फिल्टर कर देंगे चीज क्लोथ से या कॉटन क्लोथ से, तो आपकी कुछ चीजें फिल्टर हो जाएंगी जो कि सॉल्युबलाइज होंगी इसमें एसिड के अंदर, यानी समझ लीजिए आपका कोई पेपर है, फिल्टर पेपर है, आपका चीज क्लोथ है, इसके ऊपर से मैंने सॉल्यूशन जब डाला तो आपका जो
यू नो एसिड है, ये तो नीचे पास होगा ना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, वो अपने साथ क्या ले जाएगा, सोल्युबलाइज छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को भी ले जाएगा, और जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होंगे जो इनसॉल्युबल होंगे वो आपके ऊपर रह जाएंगे इस चीज क्लोथ के ऊपर। तो दो फ्रैक्शन आपको देखने को मिले, ओके, दो फ्रैक्शन देखने को मिले। सो एक चीज को आप बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो कि फिल्टर हो चुका है, ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिल्ट्रेट जो कि फिल्टर हो चुका है, तो इसे एसिड सॉल्युबल पूल आप बोलेंगे, क्योंकि ये छोटे साइज के मॉलिक्यूल है जो एसिड के साथ नीचे चले गए और फिल्टर भी हो गए, तो इसे हम फिल्ट्रेट भी बोल रहे हैं। इट कंटेन्स मैक्रो मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे साइज के होंगे, इसीलिए फिल्टर हुए हैं। तो इनका मास जो है लेस देन 1000 डाल्टन होगा, और अगर आप एक्यूरेटली देखना चाहें तो इनका मास क्या होता है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ओके, सो 18 से 800 डाल्टन के बीच में इनका मास होता है, और यूजुअली इनका जो मास है वो 1000 डाल्टन से कम होगा। और इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे छोटे छोटे साइज के, जिन्हें आप माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, प्लस आपको छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनका मास भी 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होगा, तो वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, और बचे हुए आपके इनऑर्गेनिक आयंस आपको यही मिलेंगे। दूसरा जो फ्रैक्शन होता है दोस्त, इसे आप बोलते हैं रिटेंटेट। रिटेंटेट मतलब जो रिटेन हो चुका है आपके चीज क्लोथ के ऊपर, जो फिल्टर नहीं हुआ है, तो उसे आप रिटेंटेट बोलोगे, या आप क्या बोलोगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है और इसका साइज बड़ा है, तो ये आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में आएगा, और इनका मास क्या होता है, आपका 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल यहां पर मिलेंगे, आपका लिपिड जो है वो भी यहां पर मिलेगा, बट लिपिड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ओके, क्योंकि इसका मास जो है आपका काफी कम रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट अ पॉलीमर। तो यहां पर हम जो है इस बात को अच्छे तरीके से नोटिस कर लेते हैं, ओके, तो एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूं मैं। यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्त, तो आपका जो प्रोटीन होता है वो किससे बनता है, आपका प्रोटीन इज अ पॉलीमर। ये बनता कैसे है, आपका अमीनो एसिड के बार 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 जुड़ने से बनता है, ओके, तो ये क्या हुआ, एक पॉलीमर हो गया, अमीनो एसिड मोनोमर हो गया। सिमिलरली आप सेकंड अगर देखेंगे तो पॉलीसेक्राइड, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हो, तो ये जो पॉलीसेक्राइड है किससे बनता है दोस्त, ये आपके मोनोसेक्राइड यूनिट के बार 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 जुड़ने से बनता है। So, अगर मोनोसेक्राइड मोनोमर है तो पॉलीसेक्राइड पॉलीमर हो गया। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखोगे तो आपका न्यूक्लिक एसिड जो है, जिसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हो, तो आपका न्यूक्लिक एसिड जो है मेरे भाई, ये आपका किससे बनता है, ये आपका नाइट्रोजिनस बेसिस के जुड़ने से बनता है। और नाइट्रोजिनस बेसिस भी यहां पर मैं नहीं बोलूंगा, अगर हम प्रिसाइजली चलना है तो हम इसे बोलेंगे आपका न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड आपके न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ओके, ना कि न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड अगर मैं यहां पर लिखता तो ये बात गलत हो जाती। तो न्यूक्लियोटाइड से आपका बनता है न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक पॉलीमर है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिपिड लिख दूं, तो लिपिड का ऐसा कोई स्पेसिफिक मोनोमर नहीं होता, इसका कोई मोनोमर नहीं है। तो लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं है। दूसरा, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है कितना रहता है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में। अब ये क्या चक्कर है सर, क्योंकि 18 से 800 डाल्टन के बीच में तो हमने बोला है कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन हमने इसे कंसिडर किया है एज अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल वाले फ्रैक्शन में। तो ये कैसे हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है मेरे दोस्त कि माना ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन ये इनसॉल्युबल तो है ना। लिपिड क्या होता है, आपने मेम्ब्रेन के बारे में पूरी स्टडी कर ली है, आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन रहती है वो क्या होती है, इनसॉल्युबल रहती है। अगर आप उसे एसिड में सॉल्युबलाइज करना चाहोगे तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाएगी, राइट, ये सॉल्युबल नहीं होती। तो एसिडिटी क्या करेगी, आपके बड़े बड़े बायो मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट रहेगी, यानी इनसॉल्युबल होने की वजह से आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रेजेंट रहती है, तो इसीलिए आपका एक्सेप्शन है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, कि बोल दिया जाता है कि लिपिड का मास आपका 18 से 800 डाल्टन के बीच में है, तब भी ये क्यों पाया जाता है आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ, रीजन ये है कि ये इनसॉल्युबल है। सेकंड, आपका ये एक पॉलीमर नहीं है, बताइए क्यों, क्योंकि इसकी कोई मोनोमेरिक यूनिट नहीं है, ओके, इसकी कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलीमर। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली अगर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो मॉलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमर, और ऑप्शन में हो आपका प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, तो आंसर आपका लिपिड हो जाएगा, राइट। चलिए तो एनालिसिस देख लीजिए आप एक बार फटाफट से, कि टू गेट एन आइडिया अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, यानी अगर एक कंपाउंड है आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, आपको फॉर्मूला पता करना है, प्लस आपको उसका एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर पता करना है कि ये दिखता कैसा होगा, तो आपको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है
बाकी कंपाउंड से, क्योंकि अगर मिक्सिंग हो गई तो आपके दो कंपाउंड का कंबाइंड स्ट्रक्चर आ जाएगा, विच इज ऑब्वियसली गोना बी रॉन्ग. सो आपको सबसे पहले उस कंपाउंड को सेपरेट करना है और आइसोलेट करना है उसको, और प्योरीफाई करना है, जिससे कि आपको उस कंपाउंड को अलग से देखने का मौका मिल जाए जिस पे आप एक्चुअली रिसर्च करना चाहते हो. तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन दस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेपरेशन आपको करनी है प्लस आपको आइसोलेशन करनी है, ओके, जिससे कंपाउंड आपको अलग से मिल जाए. अदर देन दैट द कंपाउंड इज देन सब्जेक्टेड टू वेरियस एनालिटिकल टेक्निक दैट विल गिव अस बेटर व्यू ऑफ द कंपाउंड. यानी आपकी काफी सारी एनालिटिकल टेक्निक होती है, जैसे अगर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता करना है, पॉसिबल सीक्वेंस आपको अमीनो एसिड का पता करना है, तो आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हो. तो इसी तरीके से आपकी एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं जो आपको एक पॉसिबल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट का आइडिया दे देती है. तो अब आते हैं डेफिनेशन पे कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. और ये डेफिनेशन आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस थिंग. बिकॉज बायोमोलिक्यूल में आपके दो वर्ड आते हैं. देखो, अगर आप यहां पर देखोगे, पहला वर्ड है आपका बायो और दूसरा वर्ड है आपका मॉलिक्यूल, राइट? तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग. और मॉलिक्यूल का मतलब क्या रहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. यानी बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ये ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कौन बनाता है? जो एक लिविंग सेल बनाता है, जो एक लिविंग सेल बनाता है, ओके? तो बायोमोलिक्यूल्स खुद लिविंग नहीं होते. ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है. काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स लिविंग है. अगर आप लिपिड को अपने सेल से बाहर निकाल दोगे, इट्स नॉन लिविंग. अगर आप प्रोटीन को अपने सेल से बाहर निकाल दोगे, इट्स नॉन लिविंग. अगर आप कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालोगे, जैसे आपके डब्बे में पड़ा तो रहता है ग्लूकॉन डी, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं, वो सिर्फ एक पाउडरी फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में. इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं ये मॉलिक्यूल. इनके इंटरेक्शन से लाइफ मिलती है, लेकिन इंडिविजुअली इनकी जो है लाइफ बनाने की फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? दीज आर कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कार्बन और हाइड्रोजन कैरी करते हैं, और ये आपके लिविंग सेल द्वारा बनाए जाते हैं. तो वेरियस बायोमोलिक्यूल कंटेन सेवरल यूनिक एलिमेंट्स इन देम, बट मोस्ट अबंडेंट आर कॉर्न एसपी. ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्न एसपी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मोर देन 99% ऑफ द मास बनाते हैं. तो कॉर्न एसपी क्या है? आपके सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स है जो कि बायोमोलिक्यूल्स में पाए जाते हैं. बायोमोलिक्यूल्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. अगर इनका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में है, तो इन्हें आप बोलोगे क्या? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स. और अगर इनका वेट 1000 डाल्टन से ऊपर है, तो आप इन्हें बोलोगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि आपके पॉलीमर्स होते हैं, राइट? ये आपका इंपॉर्टेंट एनालिसिस था. अब ये आपका पूरा का पूरा समरी है अभी तक हमने जो पढ़ा. इसके आगे भी लेक्चर है, तो यहां तक हमने जो पढ़ा है उसकी समरी है ये. केमिकल एनालिसिस में आप क्या करते हो मेरे दोस्त? आप लिविंग टिश्यू लेते हो. आपने लिविंग टिश्यू लिया. अभी लिविंग टिश्यू क्या होता है? एक वेजिटेबल हो सकता है, एक पीस ऑफ लीवर हो सकता है, यानी एनिमल टिश्यू हो सकता है, माइक्रोबियल पेस्ट हो सकता है, आप कुछ भी यहां पर ले सकते हो, राइट? अब ये लेने के बाद आपने क्या किया? इसे ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर. तो Cl3 है ये, ओके, Cl3CCOOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हो गया. इसमें मोर्टार और पेसल लेकर आपने जो है इसे ग्राइंड कर लिया. यानी एक ऐसे कटोरा जैसा आता है और इसके ऊपर आपका एक ग्राइंडर आता है इस तरीके का, ओके, पत्थर का. आप उसे यूज कर लोगे जैसे जड़ी बूटियां पीसने के लिए जो आता है, उसी तरीके की मोर्टार और पेसल होती है. इसमें आप टिश्यू डालोगे और इसके ऊपर जो है सॉल्वेंट डालोगे, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और इसे पीस लोगे. तो पीसने के बाद आपके पास क्या आ गई? चटनी आ गई. यहां पे आपके पास कुछ चटनी आ गई, ओके, जिसे आप बोलते हो स्लरी, थिक स्लरी. तो स्लरी आ गया आपके पास. अभी चटनी को आप क्या करोगे? क्लोथ से पास करोगे, चीज क्लोथ से. तो समझ लो यहां पर मैंने क्या लगा दिया है? एक कंटेनर लगा दिया. ये कंटेनर है. इस कंटेनर के ऊपर मैं क्या ढक देता हूं मेरे दोस्त? इस कंटेनर के ऊपर मैं ढक देता हूं आपका चीज क्लोथ, और इस चीज क्लोथ से मैं पास करा देता हूं अपनी चटनी को. तो अब क्या होगा? जब ये चटनी मैंने यहां से पास कराई, तो क्या होगा? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो इस चीज क्लोथ से पास हो जाएंगे, जैसे कि आपके इनऑर्गेनिक आयंस और छोटे छोटे मोनोमर्स. तो वो यहां पर आपको मिल जाएंगे मोनोमर्स, ओके? तो यहां पे क्या मिलेंगे आपको? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल. तो इसे आप क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल. क्योंकि जब मैं यहां से चटनी डालूंगा, तो जो सॉल्युबल पूल होंगे ना, जो लिक्विड में सॉल्युबल होंगे, वो नीचे आ जाएंगे. तो इसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मैं क्या बोलता हूं? एसिड सॉल्युबल पूल, या फिर मैं इसे क्या बोलता हूं? फिल्टरेट, क्योंकि ये फिल्टर हो चुका है. अभी देखो चीज क्लोथ के नीचे प्रेजेंट है ना, तो इट इज कॉल्ड एज फिल्टरेट. दूसरा फ्रैक्शन क्या रहता है दोस्त? दूसरा फ्रैक्शन आपका यहां पर रहता है ये वाला, जो यहां पर जमा हो गया. समझ लो कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, वो चीज क्लोथ के ऊपर ही जमा हो गए. तो ये कैसे हुए? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल. अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इन्हें आप क्या बोलोगे? मैक्रो मॉलिक्यूल को आप बोलोगे एसिड इनसॉल्युबल पूल.
ओके, क्योंकि इनसॉल्युबल है तभी ये नीचे नहीं गए, प्लस आप इन्हें क्या बोलोगे, रिटेंटेड, क्योंकि ये क्या हो गए, रिटेन हो गए हैं ऊपर, ये फिल्टर नहीं हुए। तो एक फ्रैक्शन है आपका फिल्ट्रेट, चीज क्लोथ है और कॉटन क्लोथ से पास करने के बाद, और दूसरा है आपका रिटेंटेड, जिसको आप एसिड सोल्यूबल पूल बोलते हो, इसे आप एसिड इनसोल्यूबल पूल बोलते हो। अल्टीमेटली क्या होगा, इस एसिड सोल्यूबल पूल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जैसे प्रोटीन को बनाने वाले अमीनो एसिड, ये क्या है, मोनोमर है तो छोटा है, ओके। पॉलीसेक्राइड को बनाने वाला मोनोसेक्राइड क्या है, छोटा है, मोनोमर है, ओके। न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड या फिर आपके नाइट्रोजिनस बेस क्या है, छोटे छोटे हैं, तो यहां प्रेजेंट होंगे। जबकि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल है या जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो यहां होंगे, जैसे अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन यहां पर, ओके, मोनोसेक्राइड से बना हुआ पॉलीसेक्राइड यहां पर, नाइट्रोजिनस बेस या न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड यहां पर, और इसके साथ इनसॉल्युबल है तो लिपिड भी यहां पर, जो कि एक एक्सेप्शन था जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये आपका केमिकल एनालिसिस था, ओके। अब देखो यहां पर आपका जो इमेज है इसमें ठीक तरीके से सारी की सारी चीजें आपकी दिखाई हुई है। अमीनो एसिड जो है ये आपका प्रोटीन बनाता है, मोनोसेक्राइड या कुछ सिंपल शुगर है या आगे चल के आपका पॉलीसेक्राइड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जबकि लिपिड का कोई मोनोमर नहीं है, लिपिड का कोई मोनोमर नहीं है। तो आप यहां से क्या इशारा कर सकते हैं, इस साइड आप ये बोल सकते हैं कि लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, आप ये इशारा कर सकते हो, ओके। एंड इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू बी असेंशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लिपिड इज यूनिक, लिपिड क्यों यूनिक है, क्योंकि पहली बात तो लिपिड एक पॉलीमर नहीं है, ये बात हम लोग जानते हैं, ओके। जस्ट हमने लास्ट स्लाइड में इसे कंप्लीट किया है कि लिपिड एक पॉलीमर नहीं है। अब देखो लिपिड का मास भी 800 डाल्टन से कम है, तो ये आपका बड़े वाले मॉलिक्यूल्स के साथ यानी मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ क्यों पाया जाता है, क्योंकि देखो यार ये यूजुअली नॉन पोलर होता है, इसमें नॉन पोलर टेल होती है ना। अगर लिपिड का आप स्ट्रक्चर देखो तो ये वाला जो टेल वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, तो ये क्या है आपका नॉन पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। अगर ये आपका नॉन पोलर हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपका सोल्यूबलाइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, तो किसकी बनी होगी, हाइड्रोजन की और कार्बन की, और हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो ये नॉन पोलैरिटी को जन्म देगा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। और अगर ये इनसॉल्युबल होगा तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में ही तो प्रेजेंट होगा ना, एसिड इनसॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होगा, या फिर ये कहां प्रेजेंट हो जाएगा, आपका रिटेंटेट वाली जगह पर। ऑलराइट, अब देखो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है ये है आपका डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट, ओके। ये आपका प्रूव करने के लिए है कि आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, किसके अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आपके पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लोगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, आप एक लिवर का टुकड़ा ले सकते हो, आप एक प्लांट टिश्यू ले सकते हो, आप एक माइक्रोबियल पेस्ट ले सकते हो, और आपने उसका वेट कर लिया, ओके। इस वेट को आप क्या बोलते हो, वेट वेट, वेट वेट या फ्रेश वेट, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर का वेट भी इंक्लूडेड होता है, तो आपने इसे वेट वेट बोल दिया या फ्रेश वेट बोल दिया। फिर आपने क्या किया, इस टिश्यू का सारा वाटर जो है ड्राई कर दिया। अगर आपका वाटर गायब हो चुका है अब इस टिश्यू में से, सो जो बचा वो क्या हो जाएगा, पानी आपने निकाल दिया तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट हो जाएगा। तो आप पहले वेट वेट कैलकुलेट करो, फिर आप ड्राई वेट जो है इसका कैलकुलेट करो, फिर आप क्या करो, इस पूरे टिश्यू को जला दो। जब आप फुल्ली बर्न कर दोगे इस टिश्यू को तो क्या हो जाएगा, तो आपका जितना भी कार्बोहाइड्रेट था या जितना भी कार्बन कंपाउंड्स थे वो CO2 और वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, और आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है बचे मिल जाएंगे राख की फॉर्म में, यानी जो आपकी ऐश होती है वो आपके क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते हो, ऐश एनालिसिस बोलते हो। तो ऐश एनालिसिस में आपने क्या किया, इसको गौर से देखने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ऐश एनालिसिस में आपने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, इट कुड बी एनिमल टिश्यू, इट कुड बी प्लांट टिश्यू, इट कुड बी अ माइक्रोबियल पेस्ट, तो इसका आपने क्या लिया, वेट वेट लिया, ओके, या फ्रेश वेट लिया जिसमें वाटर इंक्लूडेड है। फिर मैंने इसे ड्राई कर लिया यानी सुखा लिया, तो क्या हुआ, वाटर मेरा गायब हो गया यहां से। अगर वाटर मेरे दोस्त मेरा गायब हो गया, ऑल द वाटर हैज बीन इवेपोरेटेड, तो रिमेनिंग जो मटेरियल है इसमें फ्रेश वेट नहीं आया, इसमें ड्राई वेट आया, तो मैंने ड्राई वेट लिया, तो वाटर ऑलरेडी गायब हो चुका है, लेकिन बची हुई भी जो चीजें हैं, जो बॉन्ड के फॉर्म में वाटर है, अगर मैं बर्न करूंगा इस टिश्यूज को, तो वो जो बॉन्ड के फॉर्म में वाटर है वो भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। सो सारे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और आपका माइनस CO2 और माइनस बचा खुचा वाटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक जो सारा कंटेंट था वो CO2 और H2O के फॉर्म में निकल गया, बची हुई चीज को आप बोलते हो ऐश,
और ऐश के अंदर क्या होता है, ऐश इज टोटली एंड कंप्लीटली फॉर्मड अप ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। इसलिए आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो राख को काफी बार इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, अपनी क्यारियों में डालने के लिए, जिससे कि पैदावार बढ़ सके। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इनऑर्गेनिक मेटल है। और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आप पढ़ोगे कि मेटल कितना इंपॉर्टेंट है एक प्लांट की हेल्थ के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ऐश जो है, दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो अब देख लेते हैं गाइस कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। सो एनसीईआरटी को अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एलिमेंटल एनालिसिस जो की जाती है वो पता लगाने के लिए की जाती है कि आपके एक पर्टिकुलर टिश्यू सैंपल में या नॉन जो आपका लिविंग सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसे आप बोलते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। लेकिन जब आपको केमिकल एनालिसिस करना है या जब आपको कंपाउंडल एनालिसिस करना है तो आपको पता लगाना होगा कि कितने टाइप के आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। जैसे अभी हमने किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की हेल्प से, वो जो प्रोसेस था वो आपका कंपाउंडल एनालिसिस या केमिकल एनालिसिस था, जहां पर हमें क्या पता लगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पता लगा और बायो माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के बारे में पता लगा। तो आपकी बॉडी में भी काफी सारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम मेरे दोस्त आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन में काम आता है, नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है। सिमिलरली आपका जो पोटेशियम है ये भी आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन में काम आता है और ये आपका स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजर में भी अपना रोल अदा करता है, यानी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजर को ये रेगुलेट करता है। सेकेंडली आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन जो है ये आपका पोटेशियम है। काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है आपका सोडियम में लेकिन पोटेशियम है। कैल्शियम जो है इट वर्क्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपका कैल्शियम का रिलीज होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैग्नीशियम आपका रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स को रेगुलेट करता है, इट वर्क्स एज अ कोफैक्टर। वाटर आपकी चीजों को हाइड्रेटेड रखता है, इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन और ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन हो पाए बिकॉज इट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। NaCl आपका ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है। कैल्शियम आपका काफी सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट जगह पर स्ट्रक्चरल काम करता है, जैसे कि आपका बोन्स और टीथ में। फॉस्फेट आपका एनर्जी मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, जैसे ATP के अंदर और आपका न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी। सल्फेट भी आपका काफी जगह पर काम आता है, जैसे कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आपके जॉइंट्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उस फ्लूइड में भी आपके सल्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस, ओके, दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास पॉइंट ऑफ व्यू इज शोन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी आपके सेल में सबसे ज्यादा क्या अबंडेंट रहता है और आपके सेल में सबसे कम क्या अबंडेंट रहता है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मास। तो इसके लिए एक सिंपल से ट्रिक है वेप्रॉन कैली, ओके, वेप्रॉन कैली। सो वेप्रॉन कैली का क्या मतलब है, WA का सिंपल मतलब है वॉटर, प्रो का सिंपल मतलब है प्रोटीन, N का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, CA का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, L का मतलब है लिपिड एंड I का मतलब है आयंस। सो वेप्रॉन कैली अगर आप वॉटर देखेंगे तो आपका कितना होगा, 70-90% आपका वॉटर प्रेजेंट होता है आपके सेल के अंदर। प्रोटीन अगर आप देखेंगे तो 10-15% आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप देखेंगे तो 5-7% न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और उसके बाद आपको क्या करना है, 3-2-1, दैट्स इट। आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एक टेबल याद हो गया। आपको पता है 70-90% वाटर होता है, आपको दो चीजें याद करनी है, प्रोटीन सेकंड नंबर पे, कार्ब आपका न्यूक्लिक एसिड थर्ड नंबर पे। सो वेप्रॉन कैली क्या हुआ, 70-90, देन प्रोटीन आपका 10-15, आपका N दैट इज 5-7, आपका CA दैट इज 3, ओके, 2-1, ऑलराइट। तो आप इस तरीके से सारी चीजें याद कर सकते हो। सो गाइज दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बेसिक बातें हमने यहां पर पढ़ी, डिटेल में हम लोग इसे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मेरे दूसरे बैकअप चैनल ओजोन क्लासेस 2.2 को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। ऑलराइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ग्रेट कंसेप्ट रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।